अस्सलामुअलैकुम। तो आज मैंने व्लॉग वहीं से स्टार्ट किया है जहाँ पे मैंने कल एंड किया था। तो सबसे पहले तो रिक्वेस्ट है, जिन्होंने वो फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है बर्थडे पार्टी का, वो पहले देख ले तो आगे मज़ा आएगा। लिंक मैं ऊपर आई बटन में लगा दूंगी। ओके, तो चलिए फिर मैं स्टार्ट करती हूँ आगे का प्रोग्राम। एक्चुअली कल वीडियो लंबा हो रहा था, इसलिए मैंने आप लोगों को बोला था मैं दूसरे भाग में कंप्लीट करूँगी। तो मैंने वहीं से सेम वहीं जगह से स्टार्ट किया है। मुझे थोड़ी आप लोगों से बात करनी थी, इसलिए ये क्लिप फिर से ऐड की है। तो ऐसा है, तो आप लोग जानते हैं केक काटने के बाद केक खाने बैठे थे हम लोग, और यहाँ पे मैंने बताया था कि जीनत केक काट के दे रही है। ऑलमोस्ट केक ख़त्म हो गया था, और इसके बाद हम लोग मस्ती कर रहे थे, और वहाँ पे मैंने व्लॉग एंड किया था। तो चलिए आप लोग फिर इन्जॉय कीजिए। ओके जाओ माँ, इधर चलो मम्मा, इधर से चलो ऊपर, उसमें इधर से चढ़ो ऊपर। तो ये है बेडरूम में जो कल कैप्चर करी थी। तो मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं बताती हूँ मामू की बेटी। तो ये देखिए, जिसके हाथ में बच्चा है ये है मामू की बेटी और खाला की बहू, और ये पिंक ड्रेस वाली है मामू की बहू और ये उनकी बेटी है। तो मैं ये बच्ची को बोल रही थी अपनी नानी को सलाम कर दे, बिकॉज़ इसकी नानी दुबई में है और वो भी मेरे ब्लॉग देखते हैं। तो मैं ये बच्ची को वही बोल रही थी, बेटा सलाम कर दो। और यहाँ पे ये लोग लेट आए ना, केक कटने के बहुत बाद में आए थे, जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था कि लोगों को लेट होगा, तो ऐसा है। और वो ब्लैक ड्रेस वाली है मेरी खाला की बहू। तो ऐसा है, यहाँ पे मम्मी ना डांट रहे थे इन लोगों को कि इतना लेट क्यों आया ऐसा करके। तो ऐसा है। कॉपीराइट के डर से मुझे फ़ास्ट फॉरवर्ड करना पड़ता है, स्लो मोशन में करना पड़ता है, तो डर लगता है कॉपीराइट ना आ जाए। तो ऐसा है, यहाँ पे जूबी और मकसूद भाई आए हैं, मतलब जूबी मेरी बेस्ट फ्रेंड, ये तो आप लोग सब जानते होंगे। उसको आने में लेट हो जाता है अक्सर अक्सर, ऐसे ही होता है, वो लेट हो जाती है। इस बार तो चलो, उसके हस्बैंड मतलब जॉब से ही लेट आए थे, तो उसने फ़ोन करके पहले बोल दी थी कि नाजिया मुझे थोड़ा लेट होगा आने में। तो ऐसा है, और ये है उसके हस्बैंड, मकसूद नाम है उनका। तो ये मेरी बचपन की फ्रेंड है, जैसे कि आप में से कुछ लोग जानते होंगे। मैं अक्सर इसके घर पे जाती हूँ, ये इसको बहुत कम टाइम मिलता है मेरे घर पे आने, बिकॉज़ इसकी बहुत बड़ी फैमिली है। ये सबके घर पे जा जाके खुद वैसे ही थक जाती है। और बस अब क्या, यहाँ पे थोड़ी बातचीत। तो मामू, आप मेरी बात सुन लेगा क्या? ये मेरे मामू है और ये मेरी खाला बड़ी है। ठीक है, अम्मी को तो तुम पहचानते हो, अम्मी बीती हो जो अभी चिल्ला के गए। ठीक है, और ये मेरे खाला के बच्चे लोग हैं और ये मेरी मुमान है जो सबसे छोटे दिखते हैं। और ये दोनों Oh, 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 oh,
बहुत सारी बातें हो गई, मस्ती मजाक हो गई, मैंने सबसे सबको मिला, मतलब जुबी को सबसे मिला दिया है। एक्चुअली जुबी अम्मी के घर वालों को सबको जानती है, मेरे घर वालों को, बट मामू और खाला से पहली बार मिली थी तो मैंने इंट्रोडक्शन करा दिया। यहाँ पे उज़्मा उसकी खाला के साथ खेल रही थी और जीना तो उसके साथ ही बिजी रहती है, उसको दुनियादारी की पड़ी नहीं रहती है। हो गया उसका काम, उसने अपना काम कर लिया और साइड हट गई। तो ऐसा है, अभी बारी अम्मी की है, क्योंकि मैं कभी भी डेक के पास नहीं जाती खाना सर्व करने के लिए, वो अम्मी ही करते हैं, मुझे डर लगता है। तो ऐसा है, सब लोग गर्मी से परेशान हो रहे हैं। एक्चुअली गर्मी पहले ही इतनी है और मतलब एक कूलर में कितनों को हवा मिलेगी, सब गर्मी से परेशान है। मामू ने तो एकदम मतलब वो हो गए, भीग रहे हैं पसीने से, तो उन्होंने बटन भी खोल दिया अपना, सब परेशान है। मैंने भी देखी अपना गरारा खोच लिया है, वो बार बार संभालने नहीं हो रहा है, क्योंकि जूबी, मैं, जीनत सब वहाँ किचन के पास ही मंडरा रहे हैं, तो चलने में थोड़ी तकलीफ़ हो रही है। और किचन बड़ा नहीं है ना, छोटा है मेरा। हाँ दे थे नहीं, इधर तो बैठे हैं, इधर वाले बाकी ट्रे खाली हो गई होगी तो लेना उधर। हाँ हाँ उसमें वो बाउल दे दो ना पास वाले। हम लोग चाहते हैं वो कम हो जाए, बट वो कम ही नहीं होता। इनके नाम का बोल के वो खाली है। नहीं क्या अकेली बैठ के खाएगी क्या? कैसा रियाज? अरे एक नंबर क्या क्या? हाँ रख दे राबिया, तू खाई। तो
जा रही है, सब लोग चले गए ऑलमोस्ट, धीरे धीरे करके सब चले गए अल्हम्दुलिल्लाह, सब अच्छे से हो गया। आप लोगों का क्वेश्चन था कि अब्बा क्यों नहीं आए, तो अब्बा को बीपी का प्रॉब्लम है तो उनको ज़्यादा भीड़ बर्दाश्त नहीं होती और इतना गर्म हो रहा है, तो मैं तो बोलूँगी अच्छा हुआ अब्बा नहीं आए, मैं नहीं चाहती कि तबीयत ख़राब हो अब्बा की, तो ऐसा है। और दूसरा क्वेश्चन ये भी था कि नूर भाभी दिखी नहीं, तो गलत देखे आप, कल के व्लॉग में भी वो थी और आज के व्लॉग में भी वो है, कहीं ना कहीं बैठे भी दिखेगी देखो आप लोगों को रेड ड्रेस में, बहुत जगह है वो, आप लोगों ने व्लॉग पूरा नहीं देखा होगा, फिर एक बार फिर से देख लेना। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग की पार्टी ख़त्म हो गई, उज्मा को दुआ दे देना बस। और मैंने मामू को बता दी थी कि आप लोगों के लिए कौन कौन सी दुआ करनी है, जिनको औलाद देनी है उनको औलाद नसीब हो जाए, और जिनके हस्बैंड काम पे नहीं है उनको काम मिल जाए। मैंने ये सब ये चीज़ें मामू को बताई हूँ कि मामू दुआ कर देना, लीजिए आप लोग खुद ही बात कीजिए अभी उनसे। हाँ बेटा, मैं 28 तारीख को जाने वाला हूँ हज को, और इसने बताई मेरे को सब आप लोगों के बारे में, तो मुझे भी अच्छा लगा। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए दुआ करूँगा। अब फिलहाल तो मेरे को आप लोगों की दुआ की ज़रूरत है, क्योंकि मेरे को अभी जब तक मैं जाता नहीं हूँ वहाँ पहुँचता नहीं हूँ, जब तक तो मुझे दुआ की ज़रूरत ही चाहिए आप लोगों की। आप लोग मेरे लिए दुआ करो और मैं वहाँ जाके आप लोगों के लिए दुआ करूँगा, बस मुझे अक्सर दुआ में याद रखना। ठीक है, ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना, उस बगा बर्थडे कैसा लगा ज़रूर बताना, और मामी अभी तैयार हो रहे घर से जाने के लिए, सब चले गए खाली मामू रुक गए थे, एक्चुअली हम लोग बात कर रहे थे। ठीक है, तो ये ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ, ब्लॉग पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और उज्मा के चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। ओके, चलिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।